डीडी फ्री डिश के बॉक्स पे आपको अगर कोई नया चैनल देखने को नहीं मिल रहा था तो अब जरूर मिलेगा, क्योंकि डीडी फ्री डिश की ओर से ई ऑक्शन की प्रक्रिया का एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हर कोई जानता ही होगा कि डीडी फ्री डिश में अगर किसी चैनल ने आना होता है तो उसके लिए ई ऑक्शन ही एक ऐसा रास्ता है जो कि सीधा चैनल को हमारे बॉक्स तक लेकर आता है। तो यही रास्ता जो है वो डीडी फ्री डिश ने खोल दिया है, अपने द्वार खोल दिए हैं। ई ऑक्शन के द्वार जो है वो हम सभी के लिए खोल चुके हैं। 26 अक्टूबर की तारीख तय की गई है, 26 अक्टूबर 2023 को उन दोनों ई ऑक्शन को किया जाएगा जिसका हम सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, यहाँ पर केवल एक ही ई ऑक्शन नहीं बल्कि दो ई ऑक्शन होने वाली है। एक तो होगी आपके लिए MPG2 स्लॉट्स के लिए और एक होने वाली है आपके लिए MPG4 स्लॉट्स के लिए। अब एक जो MPG2 के स्लॉट्स की ई ऑक्शन होगी उसका फायदा केवल MPG2 के उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, लेकिन अगर MPG4 के जो बॉक्स इस्तेमाल करते हैं उनको दोनों ही नए चैनल देखने को मिल जाएंगे अपने बॉक्सेस में। तो कितना बड़ा डिफरेंस आता है और लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि MPG2 के बजाय MPG4 का बॉक्स लेने में उन्हें कितना फायदा है। चलिए वो तो बात की बात हो गई, इस वीडियो में हम मुद्दे की बात करेंगे। और मुद्दे की बात ये है कि हमने पहले ही अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, बता दिया था कि आने वाले समय में प्रसार भारती ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट करने वाला है और जो 73 ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट होगी वो आपके MPG2 स्लॉट्स के लिए होगी। और वही हुआ है, अभी जैसे कि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया है कि 73 ई ऑक्शन हमारे लिए MPG2 स्लॉट्स के लिए ही रखी गई है और ये जो है केवल एक स्लॉट के लिए ही होगी, क्योंकि स्लॉट केवल एक ही खाली बचा है, इसके अलावा कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। बाकी हम MPG4 के भी बारे में बात करेंगे। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले पाते रहने के लिए। तो बताना चाहूंगा कि जहां एक तरफ हमारे लिए MPG2 के ग्राहकों के लिए खुशखबरी आई है तो दूसरी ओर MPG4 के ग्राहकों के लिए भी तोहफा दिया गया है और वो है MPG4 के लिए 74 ई ऑप्शन। और यहां पर भी अभी हाल ही में एक चैनल बंद हो गया है जो कि है MH1 दिल से, एक हिंदी मूवी का चैनल था ये, डीडी फ्री डिश को उसने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं डीडी फ्री डिश के पास एक स्लॉट खाली हो गया था। तो डीडी फ्री डिश ने देरी ना करते हुए इस स्लॉट को भरने के लिए 74 ई ऑक्शन को एक ही साथ रख दिया है। यानी पहले होता यह था कि MPG2 की ई ऑक्शन पहले होती थी और बाद में MPG4 की अनाउंसमेंट होती थी, लेकिन इस बार दोनों ही अनाउंसमेंट को एक ही समय पर कर दिया गया है और तारीख भी एक ही रखी गई है, 26 अक्टूबर 2023। यानी कि एक ही दिन में आपके लिए दोनों ई ऑक्शन का निपटारा हो जाएगा। जो चैनल विजेता घोषित होगा, अच्छी खासी बोली लगाएगा, वो आप सभी के लिए उसी दिन लाइव हो जाएगा, यानी कि सेम डे में 1 नवंबर 2023। 1 नवंबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 का समय तय किया गया है। जो चैनल इंटरेस्टेड होगा वो बोले लगा के, जो भी विजेता घोषित होगा वो 1 नवंबर से आपके बॉक्स में लाइव हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और आपकी नजरों में अगर कोई ऐसा चैनल है जो कि आपको लगता है वो इस ई ऑक्शन में भाग लेकर आ सकता है, नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे सकते हैं। बाकी आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको उसको लिंक दे दिया है, वहां पर भी हम आपको पल पल की जानकारियां इसी तरह से देते रहेंगे।